ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, जल्दी आ जाओ बाहर को, फिर मुझे ड्यूटी के लिए निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, क्या ज्योति जी, खाना बन गया हो तो दे दो, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। आप भी कमाल करते हो, खाना तो मैंने बनाकर मेज पर रख भी दिया, आपको आवाज भी लगाई पर आपने सुना नहीं। चलो ठीक है, पर एक बात बताओ, पिताजी को खाना दे दिया? बस पिताजी को खाना देने ही जा रही थी, फिर आपने आवाज लगाई तो आपके पास आ गई। चलो ठीक है, तुम इतने ना पिताजी को खाना दिया हो, इतने मैं ना अंदर बैठ के खाना खा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा वो शाम को ना जल्दी आ जाना, कुछ काम है। क्या काम है? वो बाजार से कुछ सामान लाना था मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलना, लेकिन ना थोड़ा खर्चा कम करना। चलो ठीक है, मैं अंदर बैठ के खाना खा लेता हूँ, इतनी तुम खाना लगा के पिताजी को दे दो। ठीक है, मैं पिताजी को खाना दे देती हूँ, आप अंदर बैठ के खा लीजिए। ठीक। राम राम पिताजी। नमस्ते, सदा सुहागन रहो। अच्छा बेटा, एक गिलास पानी और ले आओ। ठीक है पिताजी। बेटा ड्यूटी जा रहे हो? हाँ पिताजी, ड्यूटी जा रहा हूँ मैं तो, पर मैं ये कह रहा था तुमने एक बार हरिराम ताऊ से मिल लेना, वो बुला रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, चला जा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। हे राम, काम करते करते थक गई, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बिना पैसों के क्या जिंदगी है, सुबह शाम खाना तो भिखारी भी खा लेता है, ये भी कोई जिंदगी है? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके करने से मेरे आगे पीछे नोट ही नोट बिखरे पड़े हो, क्योंकि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पैसा होना बेहद जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई, क्योंकि बिना पढ़े मैं किसी अच्छी पोस्ट पर काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे पढ़ना होगा। मैं आज आलोक जी से बात करती हूँ। और आलोक, कैसा है तू? मैं बढ़िया सुरेश भाई, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ। और भाभी के क्या हाल है? ओ भाई, तू भाभी के बारे में ना पूछे, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से ऑर्डर बताती रहती है कि ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो। बस अपने तो वही रोज वाली ड्यूटी जा रहा था, अब तू यहाँ बैठा दिखाई दे गया, सोचा तेरे से बात ही कर लूं। अच्छा अच्छा, वैसा ड्यूटी तो मुझे भी जाना था, ऐसा करते हैं दोनों साथ चलते हैं। हाँ, इससे बढ़िया बात क्या है, चलो। चल। सुनिए सुनिए, सो गए क्या? हाँ नींद आ रही थी, पूरे दिन काम करा था ना, इसलिए सो रहा था। अरे यार, थकान तो देखो हो ही जाती है, पूरे दिन काम करता हूँ ना, इसलिए सो गया था मैं। तुम भी सो जाओ। नहीं, मुझे ना तुमसे कुछ खास बात करनी है। खास बात? बताओ। वादा करिए कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अरे ज्योति, तुम वादे की बात क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? बताओ क्या बात है। सॉरी, मुझे आपसे वादे वाली बात नहीं बोलना चाहिए थी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
चलो वादे की बात छोड़ो, बात बताओ क्या है। देखिए आज के टाइम पे पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात तो ठीक है। और पैसा कमाने के लिए मुझे कोई बड़ी सरकारी पोस्ट पर बैठना होगा। सरकारी बड़ी पोस्ट? और सरकारी बड़ी जॉब करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी। अरे वो बात तो ठीक है, पर यार इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने तो मैं कमाता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मुझे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, और आप मुझे पढ़ाएंगे। देखो ज्योति, पहले मैं पिताजी से बात कर लूँ फिर बताता हूँ तुम। प्लीज आलोक जी, क्या आप मेरा ये सपना पूरा नहीं करेंगे? आलोक जी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने मेरी सहायता की तो आप एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अरे वो बात तो ठीक है ज्योति जी, पर मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? कुछ मेहनत तुम करो और कुछ मैं, और फिर आलोक जी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान चाहे और ना कर पाए। कोई बात नहीं ज्योति जी, मैं इसका जवाब ना तुम्हें कल दूंगा। मुझे आशा है कि आपका जवाब हाँ ही होगा। देखो ज्योति जी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो आलोक जी मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं हर हालत में SDM बनूंगी। नमस्ते सर। नमस्ते राजेश भाई, बैठो। चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ बताओ राजेश भाई, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ सर, बहन की शादी है, कुछ पैसे चाहिए थे। बताओ फिर कितने पैसे चाहिए? बस सर 1,00,000 रुपए चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कल शाम को घर पे आ जाना और पैसे ले जाना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। ठीक है सर, मैं घर आके पैसे ले जाऊंगा। ठीक है, चलो नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ आप बताओ कितने का सौदा था वो? अरे जब तो कोई आ गया था। हाँ अरे यार सौदा 50,00,000 का हो या 1,00,000,000 का मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर तुम सौदा फाइनल कराओ। चलो ठीक है मैं पेमेंट लेके आ रहा हूँ फिर। ठीक है। राजी। हाँ बेटा। मैं ये कह रहा था ज्योति ना पढ़ने को बोल रही थी। हाँ? पढ़ने को? भैया ये उसके दिन पढ़ने का थोड़ी है, ये तो उसका गृहस्थी संभालने के दिन है। और फिर चल पढ़ा भी दे, मैं पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी मैं सर यही तो समझा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रही। बेटा मेरी समझ में तो उसकी बात यू आ जाएगी, अब उसे तू समझा। अब पढ़ाई लिखाई के दिन ना है, अब तो घर गृहस्थी चलानी है तुम्हें, है ना? ठीक है पिताजी मैं समझाता हूँ। बताओ जी अब पढ़ाई लिखाई का टाइम है? बात हुई आपके पिताजी से? हाँ, हो गई। फिर क्या बोला उन्होंने? कहते क्या, मना कर दिया। बोलने लगे पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? बताओ ना आलोक जी, क्या तुम मेरा सपना कभी पूरा नहीं कर सकते? तुम चिंता मत करो ज्योति जी, जो तुम्हारा सपना है ना उसको मैं जरूर पूरा करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़े। मैं तुम्हारा सपना ना जरूर पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। चलो ठीक है तुम खाना बनाओ, मैं भी आया। तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना? संडे है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए ना, इसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो तुम अपना काम करो,
मैं आता हूँ थोड़ी देर में।